पानीपत में भी केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी नाराज दिखे। पानीपत की औद्योगिक नगरी में 2 रोज बैंक बंद रहेंगे। आम जनता के साथ साथ उद्यमियों को भी परेशानी होगी। 16 दिसंबर को देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंक 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 16 दिसंबर से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की गई है। केंद्र सरकार लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 पेश करने वाली है, जिसका बैंक यूनियन पुरजोर विरोध कर रही है। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल का जिला पानीपत में भी व्यापक असर देखने का अंदेशा है और 2 दिन तक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक कर्मचारी यूनियन के अधिकारियों ने बताया कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने हाथों से निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिसका बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं। बैंक जो मोदी सरकार जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल ला रही है लोकसभा में, इसी संघ में, इसी के अगेंस्ट है। ये जो बिल है वो जन विरोधी बिल है। ये जो 1980 में और 1989 में बैंकों का सरकारीकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया था केंद्र सरकार ने, उसके उस नीति को खत्म करके सरकारी बैंकों को और PSUs को ये प्राइवेट करना चाहते हैं। क्योंकि आप एक बात समझेंगे कि मैं हूँ चाहे जो भी मिडिल क्लास बंदे हैं, वो किसी भी प्राइवेट बैंकिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। आप HDFC या कोई भी ICICI एक्सिस बैंक है, उसमें आप 10,000 से नीचे खाता नहीं खोल सकते। जो हमारे गरीब मजदूर और जितने मिडिल क्लास है, वो बंदे के सैलरी कितनी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और सरकार चाहती है कि फिनेंशियल इंक्लूजन हो, उसके लिए छोटा छोटा जगह BC एजेंट रखो, और तुम प्राइवेट किए जा रहे हो। प्राइवेट बैंक होगी तो कौन सा गाँव में खोलेंगे बैंक? तो जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कहाँ से बैंकिंग करेगा? जो फिनेंशियल इंक्लूजन के बाद सरकार चलाती है सारी स्कीम्स, जो अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत ये वेंडर को 10,000 के लोन जो जबरदस्ती बंटवाया जा रहा है और बांटते हैं, हम लोग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें वेंडर्स को। क्या कोई प्राइवेट बैंक दे रही है क्या? आप जो जनता के विरुद्ध केवल वोट के लिए कभी 2,000 तक जो भी स्कीम कोरोना काल में जो 500 का वितरण किया गया, सारे सरकारी बैंक के थ्रू किया गया और लाइन के लाइन रखी रही। नोटबंदी में सरकारी बैंक ने जनधन अकाउंट खोले, जो हम जनता के लिए है, जनता के पैसे हैं, जनता के पास है, बैंक के पास है, उसको ये बेचकर कॉरपोरेट भी नहीं, 2 घरानों को बेचना चाहती है। जिस तरह ये अभी किसान विरोधी लाए थे बिल, किसानों की जिद थी जो उन्होंने वापस लिया, वो भी वापस इसीलिए लिया कि इनकी अपनी सत्ता हिल। अगर इनकी सत्ता नहीं हिलती ना तो ये कभी वापस नहीं लेते। अगर वो बैंक लागू हो जाती तो हमें रोटी खाने के लिए भी मोहताज हो जाते। जिस स्थिति में एक बंदे के पास अगर सारे पैसे अनाज आ जाते, उसी तरह ये कह रही है कि कॉरपोरेट घराने को बैंक बेचो, अडानी को एयरपोर्ट बेच रहे हैं, लाल किला दे दिया, तो देश बेचे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश नहीं बेचने दूंगे। जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री बने थे, मैं देश नहीं बेचने दूंगा, मैं मिट जाऊंगा लेकिन देश नहीं बेचने दूंगा। हर एक चीज़ आप देखो ना, भेल प्रॉफिट मेकिंग, PNB प्रॉफिट मेकिंग, जितने बैंक हैं VSU अभी का जो डाटा आया सभी में प्रॉफिट है, उसके बाद ये उसको बेचना चाहते हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने RBI के पैसा, रिजर्व पैसा को खा गए। जब स्थिति खराब होगी भारत की इकोनॉमी की तो रिजर्व